Hey everyone, today this video on Rangaputta fourth order method. Question है हमारा solve the differential equation by Rangaputta method. dy over dx equal to 2x plus 3y, जहाँ y naught is equal to 0 दे रखा है and y naught equal to 1 है and x naught equal to 0 है. जो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू होती है वो जीरो नॉट एक्स नॉट होती है एंड वाई नॉट जो होती है ये वन होता है. तो वाई जीरो इक्वल टू वन दे रखा है एंड एच क्या है इंटरवल है हमारा जो क्या दे रखा है 0.2 एंड फाइंड करना है वाई 0.2 एंड वाई 0.4 को. तो हमारा फंक्शन दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y एक्स नॉट. एक्स नॉट क्या होता है क्वेश्चन में दे रखा था y नॉट इक्वल टू y जीरो ब्रैकेट में इक्वल टू 1. तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू जो होती है ये होती है एक्स नॉट. और ये जैसे ये y ब्रैकेट में जीरो दे रखा था तो ये तो एक्स नॉट हो गई एंड ये वाली वैल्यू यानी इक्वल वाली वैल्यू ये क्या है 1. तो ये क्या हो गई y नॉट इक्वल टू 1 हो गई. ब्रैकेट वाली वैल्यू एक्स नॉट एंड ब्रैकेट के बाहर इक्वल के इधर क्या है 1 है. तो ये क्या है वाई नॉट हमारी वैल्यू हो गई 1 और एच क्या दे रखा है 0.2 दे रखा है. तो इसको बॉक्स में लिखेंगे पहले एक्स नॉट इक्वल टू 0 0 पता चल गया कहाँ से आया यहाँ से एंड वाई नॉट इक्वल टू 1 एंड इंटरवल यानी एच दे रखा है हमारा 0.2 ऐसे. फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स वन. एक्स वन को कैसे निकालेंगे एक्स नॉट प्लस एच. तो x नॉट दे रखा है हमारा 0 एंड h की वैल्यू है 0.2. तो x1 मेरा क्या आ गया 0.2 आ गया और मुझे फाइंड करना है y1 को. तो रंगा कांस्टेंट क्या होते हैं k1 k2 k3 एंड k4. तो ये क्या है k1 इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट होता है. k2 इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस k1 वाई टू. k1 की वैल्यू यहाँ से एंड K3 इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस K2 वाई टू एंड K4 एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस K3. तो इंक्रीमेंट इन y होता है डेल y इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट में K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस 2 K4. अब ये क्या आ गई हमारी y1 की वैल्यू आ गई. y1 आया है तो कैसे आएगा y1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस डेल वाई एट x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच. इसी तरह से स्टेप 2 के लिए करते हैं बॉक्स में बंद करके x1 के लिए y1 के लिए h यहाँ पर रखते हैं. तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं. तो रंगा कांस्टेंट आई होप समझ में आ गया होगा. तो K1 इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. तो एक्स नॉट क्या था 0 था एंड वाई नॉट क्या था 1 था जो कहाँ से आया था. तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वाई नॉट वाई 0 इक्वल टू 1. तो ब्रैकेट वाली वैल्यू एक्स नॉट थी एंड अदर इक्वल वाली वैल्यू वाई नॉट थी. तो क्या है K1 इज इक्वल टू एच की वैल्यू दे रखी है 0.2. तो मैंने 0.2 रख दिया एंड फंक्शन का मतलब है ये जो हमें दे रखा है तो इसकी वैल्यू एक्स नॉट और वाई नॉट पुट करके इस वाले फंक्शन में रख देनी है. जैसे ये है K1 इक्वल टू 0.2. तो एच था एच की जगह मैंने 0.2 रख दिया तो 2x0 प्लस 3y0. तो x0 की जगह मैंने 0 पुट कर दिया एंड y0 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया. तो 0.2 यहाँ पे क्या जाएगा 0 प्लस 3. ओके तो K1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई 0.6. इसी तरह से मैं K2 निकाल लूँगी. K2 है हमारा एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस K1 वाई टू. तो h दे रखा है 0.2 एच एंड फंक्शन ये है. तो फंक्शन बाद में लगाएंगे पहले क्या है इस अंदर वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है. तो 0.2 फंक्शन को अभी लगा रहने दीजिए. एक्स नॉट की वैल्यू पुट थी 0 एंड एच की वैल्यू 0.2 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज और वाई नॉट की वैल्यू 1. K1 की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है 0.6 बाई 2. तो K2 आ गया 0.2 फंक्शन 0.1, 1.3. अब क्या है इसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे. तो फंक्शन क्या था हमारा 2x प्लस 3y. तो 2x एक्स की जगह 0.1 प्लस 3 y की जगह 1.3.
तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी बाई द कैलकुलेटर तो K2 इज इक्वल टू मेरा आएगा 0.82। ओके, इसी तरह से हम K3 निकालेंगे, K3 की वैल्यू आएगी एच एफ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच वाई टू वाई नॉट प्लस के टू वाई टू। तो h की जगह मैंने 0.2 पुट कर दिया है, फंक्शन को बाहर रहने दिया है क्योंकि अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करके इस वाली फॉर्म में लाना है, उसके बाद ही फंक्शन में पुट करना है, सॉरी इस वाली फॉर्म में लाना है 0.1 और 1.41। ये कहाँ से, क्योंकि हमारे फंक्शन में दे रख इसमें फॉर्मूला दे रखा है एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस के वाई टू। तो एक्स नॉट जीरो दे रखा है एंड एच मेरा 0.2 बाई टू कॉमा वाई नॉट वन और के टू की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड की है 0.82 बाई टू हो गया। तो के थ्री मेरा आ गया 0.2 फंक्शन 0.1 कॉमा 1.41। तो K3 की वैल्यू आ गई मेरी 0.2 एंड इसको मैंने फंक्शन में पुट कर दिया है तो 2x0 की 0.1 एंड y0 की 1.41। तो K3 की वैल्यू मेरी क्या फाइंड हुई 0.886। इसी तरह से K4 निकालेंगे, K4 के लिए क्या है एच एफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस K3। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बस फॉर्मूले हैं उनको हम 6 to 8 टाइम अगर कॉपी पर लिख के करते हैं तो वो हमें रीड हो जाएंगे एंड कैलकुलेटर से इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना है तो आंसर आपका एकदम करेक्ट फाइंड होगा। अब इस तरह से हमने K4 निकाल लिया, ठीक है। K4 क्या है एच एफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस K3। तो एच नॉट 0.2 दे रखा है, फंक्शन बाहर लगा रहने दिया, एक्स नॉट मेरा 0 दे रखा है, एच 0.2 दे रखा है, वाई नॉट 1 दे रखा है एंड K3 मैंने फाइंड किया है तो 0.886 यहाँ से कर दिया। तो K4 मेरा क्या आ गया K4 आ गया मेरा 1.2116। अब क्या करना है हमें, इंक्रीमेंट इन y। अब इंक्रीमेंट इन y क्या होता है, डेल y इज इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो जो हमने k1 k2 k3 और k4 की वैल्यू लगाई हैं निकाली हैं उसको पुट कर देंगे। तो मैंने क्या है यहाँ पे 1/6 k1 की वैल्यू मैंने निकाली थी 0.6 एंड 2k2, तो 2 बाहर 0.82 k2 की वैल्यू, k3 की वैल्यू, k4 की वैल्यू। अब इसको क्या है हम सॉल्व कर लेंगे एक साथ, इस इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे तो क्या है आंसर ठीक आएगा। तो इसको कैसे करना है, एक मिनट देखिए। अब पहले क्या करेंगे हम ब्रैकेट लगाएंगे और ये दे रखा है 0.6, तो 0.6 प्लस 2 ब्रैकेट लगाएंगे, जैसा इसमें है वैसे ही आपको करना है। तो क्या है 0.82 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस 2 ब्रैकेट लगाएंगे। हम क्या करते हैं कभी कभी इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो जिससे क्या हमारी वैल्यू गड़बड़ हो जाती है, तो हमें क्या है ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही कैलकुलेटर में भी पुट करना है तो क्या है आंसर एकदम ठीक आएगा। तो 2.0886 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1.2116। अब क्या है ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, अब क्या है अभी मैं इक्वल नहीं करूँगी क्योंकि अभी हमारी एक और चीज़ रह गई है 1/6, इट मींस डिवाइड बाई 6। अब मैं इक्वल करूँगी यानी, तो आंसर क्या आ गया मेरा 0.8706 और यहाँ पे क्या आ रहा है डेल वाई इक्वल टू 0.8706। अब मेरा आंसर आ गया था डेल वाई इक्वल टू 0.8706। अब मुझे क्या करना है y1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस डेल वाई। अब वाई नॉट क्या था मेरा 1 था प्लस डेल वाई की मैंने अभी डेल वाई की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है 0.8706 एट x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। x0 की वैल्यू 0 थी एंड h की वैल्यू 0.2 थी, ये कहाँ से थी क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से गिवन थी। y1 की वैल्यू आ गई है सॉल्व करके y1 इक्वल टू 1.8706 एट x1 इक्वल टू 0.2। तो ये क्या आ गया मेरा y 0.2 की वैल्यू क्या आई है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या था मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जैसे y 0 क्वेश्चन में ये गिवन था y ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 1, तो ये वाली वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि ये x0 होती है
जो कि जीरो रखी है, और ये वाली वैल्यू वाई नॉट होती है जो कि ये वाली होती है, तो वन होती है। तो इसी तरह से ये क्या है, यहाँ पर वाई एक्स नॉट सॉरी वाई 0.2 है, तो ये 0.2 कहाँ से आ गया, x1 से आ गया। तो इसका मतलब वाई 0.2, तो यहाँ पे 0.2 क्या है, x1 है, ठीक है। तो वाई 0.2 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1.8706 आ गई। और क्वेश्चन में मुझे पूछा था वाई 0.2 की वैल्यू पूछा था एंड वाई 0.4 की वैल्यू पूछा था, तो मेरी 0.2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, 0.4 की वैल्यू निकालेंगे। तो 0.4 की वैल्यू के लिए स्टेप 2 पे आते हैं, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, x1 की वैल्यू अब क्या है, उसमें हमने क्या, फर्स्ट वाले स्टेप में हमने x नॉट यूज किया था, अब हम सेकंड वाले स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हमने x1 फाइंड कर लिया है, तो अब हम x1 यूज करेंगे। तो x1 की वैल्यू क्या आई है, 0.2 आई है, एंड y1 की वैल्यू आई है, क्योंकि x1 ये हो गया एंड y1 ये हो गया, तो y1 क्या है, 1.8706, और इंटरवल h इक्वल टू 0.2 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिविन था। तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस h, और फर्स्ट वाले स्टेप में हमने क्या किया था, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। इसी तरह से हमें x3 निकालना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, x2 प्लस h। आई होप समझ में आ गया होगा। तो x2 मेरा क्या आ गया, 0.4 आ गया, और मुझे फाइंड करना है y2 को। और मैंने फर्स्ट वाले स्टेप में ऐसे ही किया था कि x1 मेरा दे रखा था और मुझे फाइंड करना था y1 को, तो y1 मैंने यहाँ पर फाइंड क्या किया था, 1.876। तो हम क्या है, वही वाला फॉलो करेंगे पैटर्न। तो k1 इज इक्वल टू hf x1 y1, तो ये वाली अब वैल्यू यूज होंगी। देखिए फर्स्ट वाले स्टेप में हमने क्या किया था, K1 इज इक्वल टू HF x0 y0। अब यहाँ पे क्या है, हमने x1 और y1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब हम क्या करेंगे, K1 इज इक्वल टू HF x1 y1। तो इस तरह से मैंने क्या है, K1 निकाल लिया, जो क्या आया है, 1.20236। आप निकालेंगे तो हो जाएगा, फर्स्ट वाले स्टेप की तरह ही करना है। अब K2 हम क्या निकालेंगे, K2 इक्वल टू HF x1, यहाँ क्या निकाला था हमने, x0 पुट किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, x1 पुट करेंगे, प्लस hy2, सब कुछ वैसे ही रहेगा फॉर्मूला, बस x1 और x0 का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट वाले स्टेप में हमने x0 यूज किया था, और यहाँ पे x1 यूज किया है, क्योंकि हमने x1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, यहीं पे आंसर आ जाता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम दूसरा स्टेप इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें 0.4 की वैल्यू भी पूछी है, तो 0.2 की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो 4 की वैल्यू निकालते हैं। K2 की वैल्यू मैंने क्या है, 1.603068 आई। इसी तरह से मैंने K3 की वैल्यू निकाल ली है, ये आप करेंगे तो हो जाएगा, पिछले वाले स्टेप की तरह ही है। एंड K4 आएगा मेरा 2.316 3284। तो इंक्रीमेंट इन वाई इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो डेल वाई इज इक्वल टू 1/6, K1 की वैल्यू क्या आई है, 1.20236। ओके, तो मैंने क्या है यहाँ पे पुट कर दी, K2 की वैल्यू क्या आई थी मेरी, K2 के फॉर्मूले में पुट करके HF X1 प्लस HY2 कॉमा Y1 प्लस K1 y2। तो K2 की वैल्यू आई थी मेरी 1.603068। तो 2 ब्रैकेट, ऐसे ही ब्रैकेट करना है, क्योंकि इसी तरह से हमें कैलकुलेटर में पुट करनी है वैल्यू, तो जिससे हमारे आंसर में कोई गड़बड़ी ना हो। प्लस 2K3, K3 की वैल्यू 1.7 ये, एंड K4। तो मैंने क्या है कैलकुलेटर से, तो फर्स्ट K1 की तरह ही मैं निकालूंगी, तो वन, अब पहले क्या लगाएंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे, 1/6 बाद में करेंगे। तो 1.K1 की वैल्यू थी 1.20236, प्लस लगाएंगे, अब ब्रैकेट के बाहर 2 लग रहा है, 2 लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 1.603068, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस 2 ब्रैकेट 1.723 2804, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक और वैल्यू रह गई है 2.316328 24, ब्रैकेट क्लोज, और
अभी क्या है, एक और चीज़ रह गई है, डिवाइड बाय 6 इक्वल, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, मेरी वैल्यू आई है 1.69523, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया टेल वाई इक्वल टू 1.69523 04। तो ये क्या है मेरा वाई टू की वैल्यू मेरी आ गई है। अब मैंने क्या किया था, वाई वन के लिए क्या किया था मैंने, इंक्रीमेंट निकालने के बाद वाई वन के लिए किया था मैंने वाई वन इजिकल टू वाई नॉट प्लस डेल वाई। तो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, वाई टू निकालना है, तो वाई टू के लिए क्या करेंगे, वाई वन प्लस डेल वाई एट एक्स टू इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। तो वाई टू इक्वल टू वाई वन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.8706। अब ये वाई वन की वैल्यू मैंने कहाँ से लगाई है, यहाँ से लगाई है, ये मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाला था ना वाई वन 1.8706, तो मैंने वैल्यू लगा ली वाई वन की, प्लस टेल वाई ये यहाँ से मैंने निकाला है इंक्रीमेंट एट एक्स टू इक्वल टू 0.4। तो 0.4 कहाँ से आ गया, तो y2 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो क्या आएगा, 3.56583084 एट x2 इजिकल टू 0.4। अब 0.4 कहाँ से आया था, जिस तरह से मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जैसे ये y x नॉट y ब्रैकेट में 0 था तो 0 वाली वाली x नॉट होती थी एंड y वाली वाली y नॉट, तो इसी तरह से ये आएगा। तो यही क्या है, y 0.4 की वैल्यू मेरी इतनी आ गई एंड y 0.2 की वैल्यू 1.89। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में पूछा था y 0.2 की वैल्यू फाइंड करनी है और y 0.4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सो थैंक यू।